40 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 40 जगह अपने जगह रहेगी। कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ है या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं, मैंने कहा सदस्यता भी नहीं लिया आके पार्टी कार्यालय में। तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। चाहत और पसंद को रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है, ये है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है और महागठबंधन के प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर बवाल अब बहुत आगे बढ़ गया है। जी हाँ, एक तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बीमा भारती हैं तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी मैदान में अपना खूंटा गाड़ दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव पर बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। जरा सुनिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ साफ कह दिया है कि पप्पू यादव सदस्य नहीं पार्टी के बने हैं। निर्दलीय हो या कुछ भी हो, हमारी समर्थन तो सिर्फ महागठबंधन प्रत्याशी को ही है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। पप्पू यादव अपने धर्म में मानते हैं, कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ है या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं, मैंने कहा सदस्यता भी नहीं लिया आके पार्टी कार्यालय में। तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। कांग्रेस या विधायक दल के नेता, तो ये आप लोगों का प्रश्न व्यक्तिगत सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के साथ हो तो ज्यादा आपके फायदे की बात, तो ज्यादा फायदा के लिए, जनता के फायदा का काम पॉलिसी मैटर है। हमने क्या कहा, 40 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 40 जगह अपने जगह रहेगी। व्यक्तिगत प्रश्न, वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद, आप रोक लेंगे क्या? चाहत और पसंद को रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है, ये है। तो अभी आपने शकील अहमद खान को सुना है, उनका साफ साफ कहना है कि जितने भी 40 लोकसभा सीट हैं सब पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के लिए पार्टी प्रचार करेगी, उन्हीं को पार्टी मदद करेगी। कौन कहाँ से नामांकन करता है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, सब लोग स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो आधिकारिक रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हीं के लिए प्रचार करेगी, उनकी मदद करेगी। आपको बताते चलें कि पूर्णिया को लेकर लगातार गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से भी दबाव था, लेकिन लालू यादव ने अपने मनमर्जी या कहें कि लालू यादव ने बीटों के आधार पर बीमा भारती को टिकट थमाया है और अब वहाँ जो है किस तरीके से फाइट होगा, किस तरीके से मुकाबला होगा, अब तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव से अब किनारा कर लिया है। अब पप्पू यादव क्या कुछ करेंगे, पप्पू यादव का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, अब ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से आनन फानन में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, उन्हें लालू यादव ने पूरी तरीके से किनारा कर दिया, सेट कर दिया, या कहें कि पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई है। आप अपनी राय क्या रखते हैं शकील अहमद खान के इस बयान को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।